पूछता है उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष गौड़। आज पूछेगा उत्तराखंड कि आखिरकार 2022 में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो क्या निर्दलियों की अहम भूमिका होगी, या फिर यूं कहा जा सकता है कि निर्दलीय इस बार निर्धारित करेंगे कि आखिरकार में सरकार किसके बनने जा रही है, क्योंकि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। मतदान के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और सीटें भी लगभग 40 से अधिक सभी बड़े दल कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर से डरे हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के रुझान इन दिनों मिल रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम नजर आ रही है, तो उसको देखते हुए नतीजों तक, यानी कि 10 मार्च जिस दिन नतीजे आने हैं, तब तक सभी की निगाहें निर्दलियों पर टिकी है, यानी कि उन लोगों पर टिकी है जो चुनाव मैदान में उतरे तो जरूर, लेकिन उन्होंने पार्टियों से भी बेहतर काम किया निर्दलीय चुनाव के मैदान पे। और इसके साथ ही आखिरकार क्या है इस बार लोगों की राय, क्या चाहती है उत्तराखंड की जनता, और साथ ही निर्दलियों पे कितना करेगी जनता भरोसा, और निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो किसका देंगे साथ, ये रहेगा आज का मुद्दा। पहले ये डिबेट का टॉपिक देखिए और उसके बाद बताइए कि आखिरकार क्या इस बार निर्दलीय निभाएंगे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, जरा एक बार देखिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया को विधानसभा सीटों से जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं उनमें प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के अलावा निर्दलियों के दमदार प्रदर्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि 10 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने को बेताब भाजपा और कांग्रेस परिणाम आने से पहले सभी तरह की संभावनाओं पर निगाह बनाए हुए हैं। सियासी हलकों में तैर रही चर्चाओं के मुताबिक यमुनोत्री विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल और केदारनाथ में कुलदीप रावत ने दमदार चुनाव लड़ा। टिहरी विस सीट पर उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश धने ने भी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। इन तीनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की निगाह में बने हुए हैं। इन तीन प्रत्याशियों के अलावा यूकेडी के दो प्रत्याशियों के नामों की भी खूब चर्चा हो रही है। इनमें पहला नाम देवप्रयाग से चुनाव लड़े दिवाकर भट्ट का है और दूसरा द्वाराहाट से यूकेडी प्रत्याशी पुष्पेश त्रिपाठी का। इसके अलावा सियासी हलकों में बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी चर्चा गर्म है। हालांकि बसपा अकेले हरिद्वार जिले में 4 से 6 सीटें जीतने का दावा कर रही है। सियासी जानकार जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बसपा को दमदार मान रही है। उनका मानना है कि लक्सर, मंगलौर, भगवानपुर और खानपुर विस सीटों में बसपा ने दमदार प्रदर्शन किया। इनमें से 2 से 3 सीटों पर ही वो सीधे मुकाबले में मानी जा रही है। मजेदार बात ये है कि भाजपा और कांग्रेस के सियासी हलकों में इन सभी प्रत्याशियों की चर्चा है, उनसे संपर्क बनाने की कोशिशों को लेकर भी बातें हो रही है। होगा मेरी जानकारी में तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव पत्रकार हमारे मित्र हैं, आपको पार्टी की जानकारी ज़्यादा रहती होगी हमारे से भी। क्यों पड़ेगी जरूरत हमें, हमें क्यों पड़ेगी, जो हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। मेरी बात सुनिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हमने जो उत्तराखंड की जनता से निवेदन किया था कि आप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, और हमारा विश्वास है कि जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई बात कि मतलब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मीडिया के सामने दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि किसकी सरकार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, या फिर निर्दलियों की भूमिका अहम होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाल इंडिया। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बना रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 60 पार का जो उनका नारा था वो पूरा होगा और वो बहुमत के साथ फिर एक बार उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस भी दावा कर रही है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में प्रदेश हित में कोई काम नहीं किए और इस बार जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी। लेकिन सवाल ये कि क्या आखिरकार उत्तराखंड में इस बार निर्दलीय दिखाएंगे दम, या फिर यूं कहा जा सकता है कि निर्दलियों के भरोसे बनेगी सरकार, इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी से हमारे साथ सुशील त्यागी जी जुड़े हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ अनिल भास्कर जी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्यागी जी आपसे कि जिस तरीके से ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ सकते हैं, या फिर यूं कहा जा सकता है सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? सुभाष जी, 14 फरवरी को जो मतदान उत्तराखंड के लोगों ने किया, निश्चित रूप से हम जिस विकास की सोच को लेकर उत्तराखंड की जनता के पास गए थे और जो हमने अपना लक्ष्य रखा था अब की बार 60 पार, उस विकास पर उत्तराखंड की जनता ने अपना मतदान किया है और हम पूर्णतः कॉन्फिडेंट हैं कि हम वास्तव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा 14 फरवरी को हुए मतदान में जो फीडबैक हमको मिला है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी सुभाष जी। अनिल भास्कर जी, आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो या फिर आपकी पार्टी कांग्रेस, दावा जरूर कर रही है लेकिन अंदर से घबराए हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो काफी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ 14 तारीख को, उसके बाद से ही कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि इस बार फिर 2012 में जिस तरीके से निर्दलियों की भूमिका अहम रही थी, इस बार भी वैसी स्थिति बन सकती है। अनिल भास्कर जी, आपका रिएक्शन लेंगे। देखिए, सुशील जी ने जो बात कही है वो ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पार्टी लाइन पे बोलना पड़ेगा, लेकिन आज ये बात सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही कि कांग्रेस सरकार आ रही है, ये आम आदमी बोल रहा है, आम जनता बोल रही है, अधिकारी बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, जो वोटर है वो बोल रहा है, और जब ऑफलाइन बात करते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के बातें करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो बीजेपी के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार कांग्रेस की आ रही है निश्चित रूप से। तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस सरकार मतलब आ रही है, सिर्फ कांग्रेस दावा कर रही है। अभी जो बात है कि निर्दलियों की, निर्दलीय पे या अन्य जो कोई दल अगर कोई सीट लेकर के आता है तो ये अभी एक काल्पनिक पर्सन है, और काल्पनिक इसलिए है कि जब तक निश्चित रूप से 10 मार्च को मतलब वोट नहीं गिनी जाती है तब तक उसके उस ये इस तरह की बातें जो है एक कल्पना की कल्पना में रहेंगी। निश्चित रूप से मुझे मेरा एक सवाल है, आपने कहा काल्पनिक है, यदि ऐसी परिस्थिति बनती है कि सरकार बनाने के लिए निर्दलियों की या किसी अन्य दल की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप समर्थन नहीं मांगेंगे उन लोगों से?
नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि हम समर्थन नहीं मांग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमें उम्मीद है कि पूरा पूर्ण बहुमत मिलेगा और अच्छे से बहुमत मिलेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात मैंने कहा है 10 मार्च तक ये प्रश्न जो है काल्पनिक प्रश्न है 10 मार्च तक। उस दिन क्या होगा, उसके बाद जाकर के उस दिन शाम को स्थिति जब स्पष्ट होगी दोपहर के बाद, तब ये सब चीजें सामने आएंगी। तो उसके बाद ये निश्चित रूप से ये आएगा कि उस पर समर्थन मांगा जाए नहीं मांगा जाए, आवश्यकता है नहीं है, या जो आ रहे हैं वो किसी को समर्थन देंगे नहीं देंगे, कि देंगे तो किस परिस्थितियों में देंगे। लेकिन तब तक यह उम्मीद ये है कि नहीं, निश्चित रूप से जो भी सरकार आ रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आ रही है, जैसा प्रदेश की जनता बोल रही है, और इस बात को यहाँ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को, पत्रकारों को, अन्य लोगों का भी मानना है कि कांग्रेस सरकार वहां स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। ठीक है अनिल जी। संगीता जी, आपने सुना जिस तरीके से सुशील त्यागी जी ने कहा कि वो जीत रहे हैं, कांग्रेस से अनिल भास्कर जी कह रहे हैं वो जीत रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? लगता है आप लोगों की जो सीटें आएंगी उससे कुछ ना कुछ सरकार बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, या यूं कहा जा सकता है कि आप किसको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी उस समय? एक संख्या ही बता दें, कितनी संख्या आ रही है? देखिए संगीता जी, अभी जो है वो तो एक अप्रत्याशित है, क्योंकि वो एक गर्भ में छिपा हुआ है। वो जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा उसके बाद ही स्थिति सामने आएगी कि इस बार जनता ने किसको चुना है, क्योंकि इस बार के जो परिणाम होंगे वो पहले के परिणामों से कुछ हटके ही आएंगे और अप्रत्याशित ही आएंगे, क्योंकि निर्दलियों की अपनी भूमिका और आम आदमी पार्टी की अपनी भूमिका रहेगी। तो इसमें अभी कुछ भी कह पाना वो एक जायज नहीं होगा, क्योंकि वो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि स्थिति क्या सामने आती है और जनता ने किस तरह से इस बार मतदान किया है। क्योंकि जनता इस बार कहीं ना कहीं बहुत शांत थी और मतदान का जो करने का उनका नजरिया था वो कहीं ना कहीं इस बार बहुत मुद्दों से जुड़ा हुआ था। युवाओं में बहुत बेरोजगारी को लेकर जो मन में कुंठा थी उसको लेकर उन्होंने मतदान किया। तो इस बार जो परिणाम आएंगे वो कुछ अलग ही आएंगे, तो ये अभी उसके लिए कुछ भी बोल पाना ठीक नहीं। अच्छा संगीता जी, आप जिस तरीके से बीजेपी कह रही है वो 60 पार इस बार करेंगे, इसके साथ ही कांग्रेस से कह रहे हैं अनिल भास्कर जी कि वो तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जनता ने उन्हें पसंद किया, उनकी सरकार बनेगी, यानी कि बहुमत की सरकार, आप कितनी की उम्मीद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि वो बहुमत की सरकार बनाएगी? कितनी सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी की? देखिए, अभी सीटों के लिए कुछ भी कह पाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि मैं कहूंगी भाई 36 सीटें आ रही हैं, 50 सीटें आ रही हैं, या जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि 60 पार, तो ये 60 पार का नारा तो इस बार मुमकिन होने वाला नहीं है, क्योंकि नहीं, आपका सर्वे भी तो कुछ बोलता होगा, पार्टी का सर्वे, जैसे बीजेपी अपना सर्वे के आधार पर 60 बता रही है, कांग्रेस अपने आधार, आप लोगों का सर्वे भी तो कुछ होगा। हमारा सर्वे भी कह रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की, ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि जो लोग रेस लगी है और जो लोग खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो जीतने के लिए ही खड़े हुए हैं, लेकिन जनता ने किसको जिताया है ये अब जनता का फैसला देखना पड़ेगा, जनता का फैसला देखना पड़ेगा। सुशील जी, आपने सुना जिस तरीके से अनिल भास्कर जी भी कहते हुए नजर आए कि वो सरकार बना रहे हैं, संगीता जी कह रही कि आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाएगी, और आप तो 60 पार जा ही रहे हैं, क्या उम्मीद की जा रही है कि अगर तीनों ही लोग सरकार बना रहे हैं तो फिर निर्दलियों की क्या उम्मीद? जिस तरीके से बात कही जा रही कि निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं, और ये कहा जा सकता कुछ निर्दलीय ऐसे भी हैं जो आपकी पार्टी से बगावत कर रही थी, उन्होंने पार्टी में ही काम करते थे और निर्दलीय चुनाव मैदान में गए और जीतने की स्थिति में, क्या लगता है आपको? सुभाष जी, जो सभी राजनीतिक दल के यहाँ लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बेशक जिम्मेदारी होगी, लेकिन कांग्रेस का जो इस समय परसेप्शन आया है, हरीश रावत जी एक दिन कहते हैं 48 सीट आएंगी, अगले दिन प्रीतम सिंह जी कहते हैं कि हमारी 40 से 45 सीटें आएंगी, नेक्स्ट डे हरीश रावत जी कहते हैं कि हम निर्दलियों को और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनको लेकर सरकार बनाएंगे। इसलिए केवल कांग्रेस जो है वो टीआरपी, अपने आप को टीआरपी अप करने के लिए इस तरह का वो चीज़ें और बयान दे रहे हैं। आपको भी सच्चाई पता है, उत्तराखंड के लोगों ने विकास को लेकर जिस उत्साह के साथ मतदान किया है, उनको पता है कि चारों धामों का, बद्री और केदारनाथ का, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने वहां विकास के काम किए हैं, जैसे हमने आयुष्मान योजना में सभी उत्तराखंड के भाई और बहनों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम किया है, उसको लेकर जैसे महिलाओं को हमने समूह के योजना में आत्मावलंबी बनाया है, ये सब जानते हैं
कि भारतीय जनता जितने भी आपके टीवी चैनल सहित जितने सर्वे आए हैं सुभाष जी, सभी एक तो मेगा सर्वे आया है, 12 चैनलों को लेकर मेगा सर्वे आया, आप उनको देख लीजिए। और सत्यता का पता तो 10 मार्च को सभी को लग जाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग और कुछ राजनीतिक नेता जो अपनी टीआरपी अप करने के लिए नित्य प्रति अलग अलग वो बातें कहते हैं, इसलिए उन पर भरोसा न करके उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अच्छा, हमारे साथ डिबेट में अवधेश नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार जो निर्दलियों की भूमिका होगी वो काफी अहम हो जाएगी सरकार बनाने के लिए? देखिए बिल्कुल सुभाष जी, जो वर्तमान समीकरण है वो वर्तमान समीकरण इस पर इशारा कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी को वर्तमान स्थितियों में, देखिए वोटर पूरी तरह साइलेंट था, लेकिन हम लोग जब रिपोर्टिंग कर रहे थे और हम ग्राउंड जीरो पर लगभग उत्तराखंड की जो है 70% जो विधानसभा क्षेत्र है वहां गए, बाकी जगह हमारी लगातार टीमें थी, तो आपस में जो हम लोग 8-10 दिन 7-8 दिन बैठ करके हम तमाम लोगों ने चिंतन मनन किया, जो स्थानीय रिपोर्टर थे, जो हमारी टीमें थी, प्लस जो जहां पर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे मतदान के दिन, जो लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी कि वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, देखिए मुद्दा हर एक था, राष्ट्रवाद भी मुद्दा था, पाकिस्तान की खुशी भी मुद्दा था कि अगर उत्तराखंड में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटे जाएंगे, ये भी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, पलायन मुद्दा था, जो उत्तराखंड की मूलभूत जो समस्या 21 साल में सॉल्व नहीं हो पाई वो मुद्दा था, जो चारधाम ऑलवेदर रोड का विकास था वो मुद्दा था, हर मुद्दे पर वोटर वोट कर रहा था, वोटर की अलग अलग विचारधाराएं थी, युवा वोटर जो था वो उसको रोजगार की उम्मीद और ज्यादा है, उसकी और ज्यादा रोजगार की अपेक्षा है, तो इन सब चीजों को देखकर लग रहा है कि जो तमाम जो सिनारियो मूवमेंट बन रहा है वो मुझे वर्तमान स्थितियों में बहुत मुश्किल लग रहा है किसी भी एक पार्टी को प्रचंड बहुमत या किसी भी एक पार्टी को जो बहुमत के करीब मैं नहीं देख रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है, आप इससे भिन्न हो सकते हैं, आपकी राय से जुदा हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। बहुत सी सीटों का आकलन किया तो कम से कम 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलियों की स्थिति बेहद मजबूत है। अब जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, क्षेत्रीय पार्टियां, जब इन्होंने तमाम इन एक हफ्ते में जब बूथ लेवल से रिपोर्ट मंगा ली है तो शायद पार्टियां भी बाहर नहीं बोल रही हैं लेकिन अपने आंतरिक संगठन में इस बात को बोलने को लेकर मजबूर है कि वाकई हमारे साथ जो स्थिति हम शुरू चुनाव के टाइम पहले मानकर चल रहे थे उस स्थिति के अनुरूप जो हमें वोटिंग नहीं हुई है उसके अनुरूप रुझान नहीं मिला। आप देखेंगे भाजपा में तमाम लोग सामने आ गए, अभी तक 5-6 विधायक सामने आ चुके हैं कि हमारे यहाँ भीतरघात हुआ है, तो विधायक भी अपनी पीड़ा तब व्यक्त करते हैं जब स्थितियां ये बन जाती हैं कि अपेक्षाकृत मतदान नहीं हुआ है और हारने की संभावनाएं अधिक दिखाई देने लगती हैं। तो यही चीजें, तमाम चीजें, आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस लगातार पोस्टल बैलेट से लेकर तमाम हर चीज को लेकर मुद्दा बनाए हुए है, वही आप हर सीटों पर मानेंगे तो कुछ सीटें आप खुद सुभाष जी देखे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस से कुछ लोग निर्दलीय, बीजेपी से ज्यादा थे, कांग्रेस से कम थे, वहां पर उन निर्दलियों की स्थिति मजबूत है। तो मुझे ये लगता है कि जो सबसे पहली बात जो बसपा का फैक्टर है, बसपा इस बार पिछले 5 साल में बसपा ने उनके जो कैंडिडेट जो प्रत्याशी मेहनत की है, मुझे लगता है कि 3 करीब सीटों पर, जो मेरे व्यक्तिगत अनुमान है कि 3 करीब सीटों पर बसपा की स्थिति मुझे मजबूत दिखाई दे रही है, 1-2 सीटों पर मुझे जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और 3-4 सीटें ऐसी जिसमें निर्दलीय की स्थिति मुझे मजबूत दिखाई दे रही है। तो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि बसपा और निर्दलियों का फैक्टर जो 2022 में जो सरकार बनेगी तो वो बिना बसपा और निर्दलियों के फैक्टर के नहीं बनेगी, और ये बहुत बड़ा चमत्कार ही हम मानेंगे कि किसी एक दल को जो है पूर्ण बहुमत मिल जाए। जी बिल्कुल अवधेश जी। अनिल भास्कर जी, आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नौटियाल जी ने बताया कि किस तरीके से जो सीटें हैं, खास तौर से जिस तरीके से सुशील त्यागी जी बोल रहे थे बहुमत उनको मिलेगा, वो सरकार बनाएंगे, लेकिन बगावत 14 फरवरी को देर शाम को ही सामने आ गई थी, अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही उनकी पार्टी से जो प्रत्याशी थे और विधायक थे वो खुले मंच पर बोलने को खुले मंच से बोल रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनको जिताने की बजाय उनको हराने की कोशिश की गई है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं जो 60 पार का नारा है वो तो साकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे या अन्य दलों के जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं सीट ला रहे हैं और उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाने के बाद अब सरकार बनाने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार ये कहा जाता है निर्वाचन आयोग के ऑफिस जा रही है, लगातार आरोप लगा रही है, बैलेट पेपर को लेकर आरोप लगा रही है, ईवीएम को लेकर, ये तो
इंतजार 10 मार्च का किया जाना चाहिए था, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि 10 मार्च के बाद इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन क्योंकि मतदान के बाद इस तरीके के आरोप, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि घबराहट बहुत ज्यादा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस में। आप किस तरीके से देखते हैं अनिल भास्कर जी? सबसे पहले तो मैं इस बात पे आपत्ति करता हूं कि आपने ये कहा है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमने आरोप लगाए हैं। हमने आरोप नहीं लगाए, सबूत दिए हैं। और अगर मीडिया भी इस बात को सिर्फ आरोप मानता है तो इससे बड़ी लोकतंत्र के लिए खतरे की बात नहीं हो सकती कि आज की तारीख में जो बात बीजेपी अगर मजाक उड़ाने की बात कर रही है लोकतंत्र का, और मीडिया भी उनके सुर में सुर मिलाए, तो ये हमारे लिए बड़े दुखद बात है। निश्चित रूप से हमने कोई आरोप नहीं लगाया, बीजेपी के शब्द है, बीजेपी इस तरह बीजेपी आपको बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगाने का काम कर रही है, सेना पर सवाल खड़े कर रही है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये बीजेपी के शब्द हैं। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि नहीं, आपके आपके शब्द है तो आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं। आपने ये नहीं कहा शुरू में कि बीजेपी के शब्द है, ठीक है ना। आपने ये कहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी उन मुद्दों को उठा रही है, उन पे आरोप लगा रही है। हमने आरोप नहीं लगाया, हमने सबूत दिया है, उस सबूत पे जांच करने की मांग की है, ना कि हमने ये कहा है कि वास्तव में ये चीज हुई है। अगर ये हुई है तो उस पे दोबारा से एक्शन लिया जाए, उस पे दोबारा से पोस्टल बैलेट की दोबारा वोटिंग हो, तरीके से हो, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो आज की तारीख में चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग वो कर रहा है जो सरकार चाह रही है, जो मोदी सरकार चाह रही है, वो आज की तारीख में चुनाव आयोग उनके हाथ का खिलौना बना हुआ है। पहली बात तो ये है, इसमें लोकतंत्र अगर बचाना है तो। और दूसरी बात यह है, सुशील जी है, उन्होंने जो बात उन्होंने बोली कि कभी रावत जी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, तो माननीय सुशील जी आज चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप कम से कम सच बोल लीजिए, पूरे चुनाव में तो झूठ ही झूठ बोला है कि क्या क्या होना हो सकता है, ये होगा वो होगा, लोग गुमराह किया, अफवाह किया, ये सब किया गया। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि हमारे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के हमारे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, लोकतंत्र का सम्मान करता है, जनता को अपना परिवार मानता है। आपकी तरह नहीं कि 60 पार है तो 60 पार बिल्कुल अटक गए, चाहे वहां पर फिर बाद में सीट आए आपकी 15, लेकिन वो हम लोग लोकतंत्र विश्वास करते हैं, जनता से जैसा जैसा फीडबैक मिलता है ऐसे ऐसे विचार भी बदल सकते हैं, ऐसे ऐसी सोच भी बदल सकती है। कई बार हो सकता है कि हमारी गुणा हमने ये सोचा है, जनता का फीडबैक अब कुछ और आ रहा है, कुछ और गणित हो गया है, तो हम लोग जनता की बातों पर, लोगों की बातों पर, पत्रकारों पर, सब पर विश्वास करते हैं, सबको अपने साथ आत्मसात करके चलते हैं। ये नहीं कि मैंने जो कहा है बिल्कुल वही सच है और वही बिल्कुल सत्य रहेगा, उस पर अटल रहेंगे बिल्कुल अंतिम तक, जब तक कि बिल्कुल सर पर जो हमने कहा था वो झूठा निकल जाए। ये बीजेपी की ये कथनी होती है, कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस समूह के साथ चलती है। तय करिए ना भाई, बैठकर आप हरीश रावत जी को और प्रीतम जी को बिठाइए, अगर सारे सोर्सेज से आपके सारे, अरे तो ठीक है ना साहब, तय करिए, अरे तो ठीक है ना किसी, अरे फिर अगर सुशील जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे, अगर आप लोगों की सोच ऐसी कि सब एक ही शब्द बोल रहे हैं, भाई साहब अगर परिवार में भी आप जबरदस्ती ये बोलना चाहेंगे कि छोटे बेटे को भी बड़ा ही बेटा बोलो, तो इसका ना छोटा बेटा रहेगा ना बड़ा बेटा रहेगा, सबकी सोच अलग हो सकती है, एक साइंस पढ़ेगा तो एक कॉमर्स पढ़ेगा, तो सबको फ्री रहने दीजिए ना, कोई किसी तरह से समझ रहा है, कोई किस तरह समझ रहा है, आप जबरदस्ती सबको एक ही घाट में पानी पिलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती करके कि नहीं एक ही बर्तन में पानी पीना है। किसी की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है, और निश्चित रूप से अगर उनका घुड़ा भाग कुछ और हो सकता है, हमारा कुछ हो सकता है, रावत जी का कुछ और हो सकता है, कोई जितने इस तरह कार्यकर्ता वो सब कुछ और हो सकता है, पत्रकारों का कुछ और हो सकता है, आप कुछ और सोच सकते हैं, तो जबरदस्ती थोड़ी सबको एक मत पे लगा कर आपको कहना कि नहीं वही संख्या बोली जाए जो रावत जी ने बोली या वही संख्या बोली जाए जो प्रीतम सिंह जी ने बोली, तो ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र है, आप सबको बिल्कुल स्वतंत्र रहने दीजिए, सबके अपने अपने विचार है और ये हमारे संविधान का मूल अधिकार भी है, तो इसको कम से कम आप यहाँ तक। अनिल जी जरा एक बार संगीता जी से एक सवाल लेना है। संगीता जी आपने कहा शुरुआत में कि अभी इंतजार करना होगा 10 मार्च को, उसके बाद आपने कहा कि हम भी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आंकलन सभी सर्वे इसके साथ ही कई लोगों से हम मिलते हैं, लगातार बात करते हैं, आपके पार्टी के लोगों से मिलते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि आपकी सीटें आखिरकार कितनी आएगी। हालांकि जिस तरीके से अवधेश नौटियाल जी ने अभी बताया कि 1-2 सीटों पर उम्मीद की जा रही है, यानी कि आप भी कहीं ना कहीं एक उस भूमिका में आते हैं जो सरकार बनाने में एक अहम रोल देगा यदि बहुमत में कोई पार्टी नहीं आती है। यदि बहुमत में पार्टी कोई नहीं आती है, आपसे समर्थन मांगा जाता, तो आप किसको देंगे? आम आदमी पार्टी किसके समर्थन में आएगा, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए अभी समर्थन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि परिणाम से पहले ये सोचना व्यर्थ है कि हम किसको समर्थन देंगे, कि कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, और जो भी फैसला होगा उसे नेतृत्व बैठ करके करेगा और फिर डिसाइड किया जाएगा। तो अभी उसके लिए कुछ भी बोलना बहुत बड़बोलापन होगा कि हम पहले से कुछ बोल दें, तो ये आकलन तो बाद में ही होगा कि क्या स्थिति बनती है और उसके अनुसार क्या किया जाता है परिस्थिति के अनुसार।
बिल्कुल अवधेश जी, आपने सुना जिस तरीके से सुशील त्यागी जी ने भी बात रखी, अनिल भास्कर जी ने भी रखी और संगीता शर्मा जी ने भी रखी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि संगीता जी तो अभी से ही ये मान रही हैं कि इंतजार 10 मार्च का करना होगा कि हमारी आखिरकार सीटें किसकी आती, कितनी आती हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो किसको या बहुमत के पास पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर की बात कही जा रही है कि बहुमत में किसी की भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही और निर्दलीय और अन्य दलों पर कहीं ना कहीं निगाहें सबकी टिकी हुई है, आप किस तरीके से देखते हैं अवधेश जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। तो जो भी संगीता जी ने कहा कि अभी हम वेट एंड वॉच, तो बिल्कुल अभी तीनों ही जो मेन जो पार्टियां हैं, चारों ही पार्टियां मैं कहूंगा और इसमें पांचवी बसपा मुख्य रूप से जो उभर कर आ रही है, तो अभी बिल्कुल सभी पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति में होंगी। लेकिन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से एक पत्रकार के नाते मैं 2012 की स्थितियां रही थी कि निर्दलियों के काम झाम से, और हमेशा हम लोग जो है अब ये हमेशा शंकाएं लगी रहती थी कि कब सरकार चले कब गिर जाए, तो एक छोटे राज्य के लिए बहुत दुखद होता है। छोटे राज्य के विकास के लिए चाहिए कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो। पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री खुद फ्री हैंड होता है, सरकार काम करने के लिए खुद फ्री हैंड होती है। जब सपोर्ट से कोई सरकारें बनती हैं, चाहे वो बसपा का सपोर्ट हो, चाहे निर्दलीय का सपोर्ट हो, चाहे यूकेटी सपोर्ट हो, तो हमने 2012 से भी देख रखा है कि तमाम खींचतान जो है लगातार 5 साल जारी रहती है। जो निर्दलीय होते हैं, जैसे पीडीएफ गुट, उस समय एक तमाम जो निर्दलीय विधायक थे और बसपा के थे, उन्होंने मिलकर जो है पीडीएफ नाम से अपना अलग संगठन बना दिया, तो कहीं ना कहीं लगातार 5 साल उनकी प्रेशर रहते हैं, उनके अपना मुद्दे रहते हैं, उनका अपना एजेंडा रहता है, तो 5 साल में वो काम नहीं हो पाते हैं जो काम जो सरकार का मैनोफेस्टो होता है। कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी बनाती है, चाहे कांग्रेस बनाती है, वो एक मैनोफेस्टो के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की भूमिकाएं आती हैं कि आपके जो निर्दलीय हैं और जो दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं और किसी एक दल को जनता द्वारा पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है और जनता किसी एक दल पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं जता पाती है, तो स्थितियां जटिल हो जाती हैं। और 5 साल उस जटिल स्थिति में सरकार चलती है तो बहुत सारी चीजें जो उठा पटक देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं उससे जो विकास की अवधारणा है वो पूरी नहीं हो पाती है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान फीडबैक है, खुद आप पॉलिटिकल पार्टी में आप भी रात दिन कवर करते रहते हैं, आप भी वहां के तमाम नेताओं के साथ बैठते हैं, तमाम नेताएं कुछ देखिए, जो जब जब कैमरा ऑन होता है तो बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। उन बातों से हमें खुद अगर उन बातों का आकलन करें तो स्थितियां बेहद जटिल है। चाहे सियासी दल भी ये मानकर चल रहे हैं कि जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो 2012 वाली स्थितियां पुनः उत्तराखंड में दोबारा आने वाली हैं, इसलिए जो बड़े नेता हैं वो लगातार संपर्क साध रहे हैं ऐसे प्रत्याशियों से जिनकी जो फीडबैक है तमाम तंत्रों से, चाहे वो सरकारी तंत्र से उनका फीडबैक ले रहे हो, चाहे स्थानीय कार्यकर्ताओं के आधार पर उनका फीडबैक ले रहे हो, चाहे अपने बूथ लेवल से उनका फीडबैक ले रहे हो, तो तमाम उन नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है कि जो निर्दलीय मैदान में खड़े थे या जो दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं और दूसरी पार्टी जो नेता चुनाव जीतने की स्थिति में है, क्योंकि देखिए जो बड़े दल होते हैं वहां पर तो दल बदल कानून लागू हो जाता है, लेकिन जो छोटे दल होते हैं जिनके खुद 2-3 लोग चुनाव जीते होते हैं, अगर बसपा की स्थिति को ले लीजिए तो 2012 में जो आपने देखा कि बसपा के 3 लोग चुनाव जीतकर जब 3-4 लोग चुनाव जीतकर आते तो वो एक साथ एकजुट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जब छोटे लोग 2 या 3 लोग चुनाव जीतकर आते हैं तो वहां पर दल बदल कानून लगाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार कभी कभी पार्टी छोड़ देते हैं और पार्टी से बाहर आकर के समर्थन कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे जो गणित दिखाई दे रहा है वो इस समय गणित जो किंग बेकर की भूमिका में मुझे दिखाई दे रही है अपने आकलन से, तो वो बहुजन समाज पार्टी जो है वो किंग बेकर की भूमिका में है, और इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो निर्दलियों को आएगा कि 3 से 4 निर्दलीय जो है इस गणित को बढ़ाएंगे। तो अगर ये आकलन अगर मान के चलें कि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी या कांग्रेस हो, अगर ये 30 सीटों से ऊपर ले आती हैं या अगल बगल की सीटें जैसे 2012 में हुआ था, 1-2 सीट का अंतर रहता है, तो कहीं ना कहीं 1-2 सीट के अंतर से यहाँ पे निर्दलीय की भूमिका अहम रहेगी। ठीक है अवधेश जी, समय कम है, सुशील त्यागी जी आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अवधेश नौटियाल जी ने पूरा ये कहा जा सकता है कि समीकरण समझाने की कोशिश की, और आप भी मानते हैं कि ऑन कैमरा बात नेता कुछ और करते हैं और ऑफ कैमरा बात कुछ और होती है, क्या लगता है यदि समीकरण वैसे ही बनते हैं जिस तरीके से 2012 में बने तो क्या आप लोग जिनसे समर्थन लेंगे वो कौन से निर्दलीय लोग होंगे, और सबसे बड़ी चीज क्या आपको लगता है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर कहीं ना कहीं आपको समर्थन करेंगे? सुभाष जी,
मैं न्यूज वर्ल्ड पर आपको ऑन कैमरा आज ये कह रहा हूँ, 10 मार्च के बाद फिर मैं आपके चैनल पर आऊंगा। नौटियाल जी ने ग्राउंड पर अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया होगा, उन्होंने रखा भी। देखिए, कांग्रेस परिणाम के बाद अभी तो पोस्टल बैलेट पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, अगला प्रश्न चिन्ह ईवीएम पर होगा। अभी यहाँ अनिल जी ने तो कह ही दिया जो कि हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, और दूसरा वाक्य था उनका कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी गवर्न कर रही है, ये है इनका विश्वास। तो इसलिए चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का हाल, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं संवैधानिक, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का होगा। मैं फाइनल कमेंट ये कह रहा हूं कि जिस विकास की सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के भाइयों बहनों के पास गई थी, हम पूर्ण निश्चित रूप से कह सकते हैं हम अपनी सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। अनिल भास्कर जी, आपका आखिरी कमेंट। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो कि पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा कोई परेशान रहा है तो भाजपा संगठन रहा है, जिनके अंदर आपस में बहुत टूट फूट रही और उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किया, और कहीं ना कहीं ये भी स्थिति रही कि उन्होंने खुल करके कांग्रेस का समर्थन भी किया है कई जगह पर। तो इस प्रकार से एक अंडरकरंट जो है पूरा कांग्रेस के साथ है। आने वाले समय में सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और हम 45 से 50 सीटों के बीच में उम्मीद है ये लेकर के आएंगे। दूसरी बात, सुशील जी ने जो कहा कि हम लोग तांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं और उसके साथ साथ हम उस पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये बात हम नहीं उठा रहे हैं सिर्फ, ये देश की लगभग तमाम पार्टियां उठा रही हैं। तो निश्चित रूप से कई एक सिर्फ अगर भाजपा या हम भाजपा के ऊपर भी नहीं उठा रहे हैं, हम मोदी सरकार के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं जो मोदी सरकार बनी हुई है। कहना जैसे एक हमारे किसान नेता का, आप जहां हारते हो, अरे साहब मैंने आपकी बात बिल्कुल शांत होकर सुनी, इसलिए मैं चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया आपने, पंजाब में नहीं लगाया आपने, राजस्थान समय बहुत कम है। अभी आप ही बोल लीजिए मैं चुप हो जाता हूँ। 2024 के बाद फिर आपको जाना भी है, तो इसलिए आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, ये काम कर लेता हूँ। अभी आपकी सारी बात मैंने चुप होकर के सुनी। अनिल जी, एक आखिरी कमेंट संगीता जी से ले लेते हैं। संगीता जी, आपने सुना सुशील त्यागी जी कह रहे हैं 60 पार, अनिल भास्कर जी कह रहे हैं 45 से 50 सीटें, आपका क्या आकलन है? देखिए, 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो 60 पार भी पता चल जाएगा और 45 और 50 भी सामने आ जाएगा। तो जो 60 पार का नारा है वो तो इस बार पूरा होने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि भाजपा सरकार ने 5 साल में क्या काम किया है जनता के सामने था। 3 मुख्यमंत्री बदले, पूर्ण बहुमत की सरकार में इतनी अनिश्चितता की स्थिति पैदा की, तो ये नारा तो पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अवधेश भाई जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल जो लग रहा है ग्राउंड पर, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिलेगी। तो आप मानते हैं, अभी तक आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, बहुमत बनाएगी, उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीद की जा रही थी झाड़ू चलेगा, वो भी थोड़ा शायद कम चलेगा, बहुमत तक नहीं पहुंचेगा? झाड़ू चला है, परसों नहीं है। देखिए, झाड़ू चली है, मैंने इसीलिए कहा कि 60 पार वाला नारा इस बार पूरा होने वाला नहीं है। ओके, अवधेश जी आखिरी कमेंट लेंगे। आपने सुना कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, अब आप आखिरी आकलन बताइए कि क्या लगता है 10 मार्च का दिन जो होगा वो किसके पक्ष में होगा? देखिए, जो बिल्कुल सुभाष जी, जो 10 मार्च का दिन होगा वो उन प्रत्याशियों के पक्ष में होगा जिन्होंने 5 साल जो जनता के बीच रहे हैं, जिन्होंने जनता को अपनी बात समझाने में पूरी तरह से जो कामयाब हुए हैं। अब जनता जो है, उत्तराखंड की जनता 2022 साल में परिपक्व हो चुकी है, वो उन सब बातों को, वो देश के मुद्दों को अलग रखकर, उत्तराखंड के मुद्दों को अलग रखकर वोट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो है, जो राज्य हित के मुद्दे हैं, उन राज्य हित के मुद्दों को देकर जो है वोट किया होगा, और मेरी कामना है कि जो मेरी जो बातें हैं वो झूठ साबित हो और उत्तराखंड को एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिले, क्योंकि उत्तराखंड के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बेहद जरूरी है। अगर हम किसी बैसाखी के सहारे सरकार चलेगी तो बैसाखियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक कोई नहीं चाहता कि एक लंगड़ी सरकार जो है उत्तराखंड में 5 साल चले। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बातें जो है झूठी साबित हो और 10 मार्च को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार का जन्म हो। जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार का जन्म हो। सुशील त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आपका भी धन्यवाद। और अवधेश नौटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आना है, और इंतजार है कि 10 मार्च को उत्तराखंड की जनता
किस पर भरोसा करती हैं। जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि निर्दलीय प्रत्याशी और कुछ नए दल उत्तराखंड में कुछ कमाल कर सकते हैं और उसके बाद जो सरकार है यानी कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत है वो निर्दलीयों के भरोसे होगा, ये तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा। लेकिन उससे पहले कयास बहुत अधिक लगाए जा रहे हैं और इंतज़ार भी किया जा रहा है 10 मार्च का कि आखिरकार 10 मार्च का जो रिजल्ट है उत्तराखंड का वो किसके पक्ष में होता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।